बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव रहे राजीव अरुण एक्का ने टेंडर में गड़बड़ी कर विशाल चौधरी के साथ मिलकर बाजार से 3 गुना से भी अधिक कीमत पर सामान खरीदे। सामग्री का बाजार मूल्य और आपूर्ति किए गए मूल्य के अंतर का 50% रिश्वत के तौर पर लिया। विशाल चौधरी ने अपनी MGS कंस्ट्रक्शन कंपनी में निशीत केसरी को निदेशक बनाया। मुनाफे में निशीत के हिस्से को राजीव अरुण एक्का के पारिवारिक सदस्यों के खाते में जमा किया गया। विशाल ने अपनी काली कमाई के 4 करोड़ रुपए से पुंदाग में 59 डिसमिल जमीन खरीदी। भवन बनाने के लिए निशीत को डेवलपर बनाकर उसे 60% हिस्सा दिया। विशाल चौधरी ने अपने सहयोगियों के माध्यम से निशीत केसरी को नगद 1,36,00,000 रुपए दिए। बाद में निशीत ने ये रकम बैंकों के माध्यम से विशाल चौधरी को वापस कर दिया। बताया आपको कि राजीव अरुण एक्का ने विशाल चौधरी के माध्यम से IAS की पोस्टिंग के लिए पैसे लिए थे। विशाल ने राजीव अरुण एक्का के साथ मिलकर नाजायज कमाई का हिसाब किताब रखा। इसमें राजीव अरुण एक्का के लिए आरी और अपनी पत्नी श्वेता सिंह चौधरी के लिए SSC जैसे कोड वर्ड का इस्तेमाल किया गया। पैसों के लेन देन में लाख के लिए फाइल और करोड़ों के लिए फोल्डर जैसे कोड वर्ड का इस्तेमाल किया। ईडी ने राजीव अरुण एक्का और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, राजीव अरुण एक्का ने टेंडर में गड़बड़ी कर विशाल चौधरी के साथ अधिक कीमत पर सामग्री खरीदी और 50% घूस में लिया। और सीधा जुड़ेंगे, सहयोगी अजय लाल हमारे साथ मौजूद है। अजय, राजीव अरुण एक्का ने टेंडर में गड़बड़ी कर विशाल चौधरी के साथ अधिक कीमत पर सामग्री खरीदी और सबसे बड़ी बात 50% घूस लिया उन्होंने। देखिए राजदा, इस मामले में राजीव अरुण एक्का का चेहरा दागदार रहा है। एक वरीय IAS अधिकारी, सीनियर IAS ऑफिसर ऑफ झारखंड, एक निजी व्यक्ति के कार्यालय में जाता है, दफ्तर में जाता है और उनके सामने वहाँ की जो महिला अधिकारी, महिला कर्मचारी हैं, उनके सामने सरकारी फाइलों का निष्पादन करते हैं। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं किसी को खुश करने की कोशिश हो रही थी। अन्यथा एक आम आदमी, एक आम पत्रकार, मैं अपना ही उदाहरण दूं, एक आम पत्रकार अपने परिवार से नहीं बताता कि आप कौन सी खबर करने जा रहे हैं, कौन सी खबर कल करेंगे। ये गोपनीयता है, अमानत में खयानत का मामला है। एक IAS अधिकारी, राजीव अरुण एक्का जैसा ऑफिसर, किसी महिला, किसी निजी व्यक्ति के दफ्तर में जाने के बाद सरकारी फाइलों का निष्पादन, ये अपने आप में बहुत बड़ा मामला है। और आपको यह भी बता दें कि राजीव अरुण एक्का जब होम सेक्रेटरी हुआ करते थे इस राज्य के, उसी वक्त राज्य के तमाम जेलों में CCTV लगाने की योजना बनी थी, उसका टेंडर हुआ था। और आपको जानकारी देते राजदा, ये टेंडर किसे मिला? विशाल चौधरी की कंपनी को, राज के जेलों में CCTV लगाने के लिए। और उसके पहले की कहानी मैं बता रहा हूँ, जब इस राज में राजीव अरुण एक्का लेबर सेक्रेटरी हुआ करते थे, श्रम सेक्रेटरी हुआ करते थे लेबर डिपार्टमेंट का, उस वक्त 2 बड़े कैंटीन, राज सचिवालय प्रोजेक्ट भवन का कैंटीन, राज सचिवालय नेपाल हाउस का कैंटीन, उन दोनों कैंटीन को चलाने की जिम्मेदारी मिली थी। किसे मिली थी? विशाल चौधरी की कंपनी को। तो ये सब कुछ जब से राजीव अरुण एक्का IAS के पद पर हैं, कुछ दिनों को छोड़ दें, पता नहीं वो कौन सी मोहब्बत थी, कौन सा प्यार था कि पूरा प्यार वो विशाल चौधरी और उनकी कंपनी पर उड़ेलते थे। बिल्कुल। दो दो सचिवालय के कैंटीन की जिम्मेदारी, क्योंकि उस समय राजीव अरुण एक्का के पंख ज्यादा बहुत फैले हुए नहीं थे, वो एक विभाग के सचिव हुआ करते थे, लिहाजा जो बन पड़ा उन्होंने किया। विशाल चौधरी की कंपनी को दोनों कैंटीन, राज सचिवालय प्रोजेक्ट भवन का कैंटीन, उसके बाद
नेपाल हाउस का कैंटीन चलाने की जिम्मेदारी मिल गई। जब होम सेक्रेटरी मिले तो और पंख फैलाया, कहा कि आप जेलों में सीसीटीवी लगाइए। कंपनी कौन? विशाल चौधरी का। उसके बाद और आगे जाएंगे। आईएएस अधिकारियों की जितनी जानकारी राज्य के सीएम वगैरह नहीं रखते होंगे, उससे ज्यादा जानकारी कौन अधिकारी किस बैच का है, कौन अधिकारी कब रिटायर होगा, कौन अधिकारी किस साल में प्रमोशन हुआ, कौन से आईएएस डायरेक्टर हैं, कब वो सचिव बनेंगे, पूरा लेखा जोखा, यानी कि कह सकते हैं राजदा कि राजीव अरुण एक्का की कृपा के तले विशाल चौधरी के दफ्तर में एक मिनी सचिवालय चलता था। एक सचिवालय राजभवन राज्यपाल राज प्रोजेक्ट भवन का है, दूसरा राज्य सचिवालय नेपाल हाउस का है, लेकिन एक मिनी सचिवालय विशाल चौधरी के दफ्तर में चलता था। किस अधिकारी को कहां भेजना है, किस अधिकारी से कितने एवज में खुश करने की कीमत वसूलनी है, क्या कुछ करना, ऐसी चर्चा आम आदमी से राज का कर रहा। लेकिन अफसोस कि एक सदस्य जांच कमेटी बनी थी, वो सदस्य जांच कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि राजीव अरुण एक्का ने कोई अपराध नहीं किया। किसी निजी व्यक्ति के दफ्तर में जाकर फाइलों का निष्पादन करना कोई अपराध नहीं है। उसका मतलब यह हुआ कि कोई व्यक्ति सरकारी पद पर है, वो अपनी कार अपनी पत्नी को दे देता है सब्जी खरीदने के लिए, जांच रिपोर्ट में ये कहा जाता है। जो रिपोर्ट है न्यूज 11 के पास, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि राजीव अरुण एक्का ने विशाल चौधरी के साथ अधिक कीमत पर सामग्री खरीदी। सामग्री क्या थी? सीसीटीवी। सामग्री क्या थी? सीसीटीवी का फुटेज स्टोरेज, यानी कि उसके जो वीडियो बनते हैं। एक एक ऐसे इक्विपमेंट है इस बाजार में, यदि किसी के घर में सीसीटीवी लगा है तो उसका जो इक्विपमेंट है उसका मेमोरी या तो आप एक महीने का रखें, कम कीमत पर मिल जाता है। यानी कि एक मामूली सीसीटीवी यदि कोई व्यक्ति अपने घर में लगाता है चार कैमरे के साथ स्टोरेज के साथ, तो वो 30 से 40 हजार या बहुत ज्यादा जाएगा तो 50 से 60 हजार में हो जाएगा। लेकिन कीमत क्या वसूली गई थी? 2,67,000 रुपया एक सीसीटीवी की कीमत वसूली गई थी, स्टोरेज के साथ 3,32,000। आप कल्पना कीजिए कि अकेले होटवार जेल में कितने कैमरे लगे होंगे, कोई नहीं जानता कैसे लगे वहां, जी कुपट लगे थे उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कितनी कम है या कितनी ज्यादा है। तो मतलब यह है राजदा कि सब जिसकी ऊपर जिम्मेदारी थी जांच करने की, जब वही लुटाने पर आमादा है, जब माली ही बाग को लुटने की कोशिश करने लगता है राजदा, तो स्थितियां ऐसे ही बनती है। और कई जानकारी है, एक जानकारी तो यह भी कहा जा रहा है कि कामेश्वर सिंह सीनियर अधिकारी हैं, इनको आदिवासी कल्याण आयुक्त बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए इधर से उधर किए गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रुपयों को लेन देन हुए, इधर से उधर का मतलब आप समझ सकती हैं, हमारे दर्शक समझ सकते हैं कि 1 करोड़ रुपया इधर से उधर। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसने लिया किसने दिया। और उसके बाद विशाल चौधरी ने अपनी कंपनी में निशित केसरी, ये निशित केसरी कौन है? राजीव अरुण एक्का का रिश्तेदार, उनको अपनी कंपनी में निदेशक बना दिया। जाहिर सी बात है जब निदेशक बने होंगे तो उनका शेयर भी होगा कंपनी में, और जब शेयर होगा तो सीधे सीधे नगद रुपयों की उसमें एंट्री कराई होगी। ये पूरा का पूरा घालमेल है। अफसोस ये होता है राजदा कि जिस व्यक्ति पर ये पूरे मामलों की जिम्मेदारी की सबसे ज्यादा अहम जिम्मेदारी थी जी, उसने कार्रवाई नहीं की, एक विभाग से दूसरे विभाग भेज देना, ये कोई सजा नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति किसी पद पे रहेगा, जान पूरी तरह से जानबूझकर जितना झालमेल करना है कर ले, वो जानता है कि कार्रवाई के नाम पे क्या होगा, एक विभाग से दूसरे विभाग में ये कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता थी। लिहाजा अब ये अधिकारी ईडी के रडार पर है। ईडी के रडार का मतलब साफ है कि किसी दिन इसी वक्त
सुबह के वक्त आप सुनेंगी कि किसी के यहाँ छापेमारी हो रही है और तब सब कुछ सरेआम होगा। ये अपने आप में पूरा का पूरा नेक्सस है, पूरा का पूरा एक इस प्रकार से सिस्टम बना हुआ है, इस प्रकार से सिंडिकेट बना हुआ है कि तुम थोड़ा तुम लूटो, थोड़ा मुझे लूट कर दो। आपको यह जानकारी होगी कि कुछ दिन पहले राज्य के बड़े मंत्री के आवास पर छापेमारी हुई थी, 30 लाख रुपया नकद मिला। क्या ये मंत्री को जानकारी में नहीं थी कि उनके बेटे ने अपने आवास में 30 लाख रुपया रखा है? वो पैसा सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए नहीं था, वो पैसा दुर्गा पूजा पंडाल बनाने के लिए नहीं था, वो पैसा काले कारनामे की कमाई थी। राजदा पूरा सिस्टम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम आप चिल्ला ले, अखबार रोज खबरें छाप रहा है, लेकिन सब कुछ ऐसा लगता है जैसे जानबूझकर इतनी मोटी चमड़ी हो गई है लोगों की कि आप कुछ भी बोल ले, कुछ भी लिख दे, किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतर नैतिकता तो यही कहती है कि आगे आकर सुबह के मंत्री रामेश्वर राव को बोलना चाहिए था कि मेरे बेटे ने अपराध किया है, 30 लाख रुपया क्यों घर में रखा, कानून अपना कार्रवाई करे। लेकिन परसेप्शन ये बनाने की कोशिश की जा रही है कि मंत्री को बदनाम करने की कोशिश। क्या रामेश्वर राव को जानकारी नहीं थी कि उनके बेटे ने 30 लाख रुपया रखा अपने घर पर? तो सब कुछ सिंडिकेट से जुड़ा हुआ है राजदा। कब कैसे चीजें होंगी? झारखंड ऐसे ही गरीब नहीं है, झारखंड सबसे धनी राज्य है, लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं। जब इस वक्त हमारी बातचीत हो रही है, आप चले जाइए हरमू चौक के पास, आप चले जाइए किशोरगंज चौक के पास, आप चले जाइए सिसियल चौक के पास, बड़ी संख्या में महिलाएं लोहरदगा से, सिमडेगा से, लातेहार से, बेरो से आती हैं। किस लिए आती हैं? रोजगार की तलाश में। काम मिला तो ठीक, नहीं तो बैरंग लौट जाती है। बस की छतों पर चढ़कर, लोहरदगा से आने वाली ट्रेन पर चढ़कर, तो ये सबसे बड़ी इन महिलाओं के लिए किस्मत में, इसलिए कि जिनके जिम्मे है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि झारखंड या राज्य एक दिन में गरीब हुआ, झारखंड गठन के बाद से ही लोगों की प्राथमिकता ये हो गई थी कि कैसे राज को लूटे, अपना खजाना भरे। आप छोटे से रैली में चले जाइए, किसी भी पार्टी की रैली में, महंगी गाड़ियां आपको इतनी ज्यादा नजर आएंगी कि आप गिन नहीं पाएंगे। ऐसे ही कारनामों से, विशाल चौधरी जैसे लोगों के कारनामों से, राजीव अरुण एक्का जैसे अधिकारियों के कारनामे से, उसके बाद पूजा सिंघल जैसे अधिकारियों के कारनामे से, रांची के DC इस वक्त कोटवार जेल में है, वही सोच रहे होंगे क्या कुछ किया, जमीनें लूट ली जिसकी जमीन थी, कागज को उल्टा पुल्टा कर दिया। जब उड़ीसा का गठन नहीं हुआ था उस वक्त लिख दिया उड़ीसा, जब पश्चिम बंगाल का गठन नहीं हुआ था उस वक्त की तारीख डाल गई थी। बेईमानी के काम में सबसे ज्यादा ईमानदारी इन अधिकारियों ने बरती है। और आप बिल्कुल सही कह रही थी कि ED के रडार का मतलब ये है। आपको मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ अराजदा, आप चले जाइए पाकुड़ के इलाके में, 4,500 क्रशर मशीनें हुआ करती थी वहाँ, 4,500। मैं 2 दिन पाकुड़ घूम कर आया हूँ, 4,500 से ज़्यादा क्रशर वहाँ हुआ करती थी। और आज की तारीख में क्रशर की संख्या आपको जानकर ताजुब होगी, मात्र 45 क्रशर काम कर रहा है, वह भी लीगल तरीके से। इसका मतलब ये हुआ कि 4,500 में से 45 को घटा देंगी आप तो लगभग 4,460 क्रशर अवैध तरीके से काम कर रही थी। कहाँ जा रहा था पैसा, कौन ले रहा था पैसा, किसके इशारे पर सब कुछ काम हो रहा था, कुछ कहने की जरूरत नहीं, राज की जनता जानती है। लेकिन नैतिकता अब कोई मायने नहीं रखता, शिष्टाचार अब कोई मायने नहीं रखता। चेयर मिला आप किसी को फायदा पहुंचा दें, चेयर मिला आप टेंडर दे दीजिए किसी को। अभी 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता दिल्ली से आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, खुलेआम 3 अधिकारियों का नाम लिया, ऐसे ही नाम नहीं लिया। बगैर आग धुआं नहीं दिखता राजदा, जरूर कहीं आग लग रही होगी तभी धुआं दिख रहा है राजदा। बिल्कुल अजय, झारखंड को लूटने में कोई बड़े चोर डाकू का हाथ नहीं है, बल्कि वो सफेदपोश
जो एक उच्च पद पर विराजमान है, जिन पर आंख बंद करके लोग भरोसा करते हैं, अगर वही झारखंड को लूटने का काम करेंगे तो फिर भरोसा किस पर किया जा सकता है। राजीव अरुण एक्का, एक ऐसी डिसेंट छवि देखने को उनकी मिली थी, लगता ही नहीं था कि इस चेहरे के पीछे एक और चेहरा हो सकता है जो ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर करोड़ों रुपए वसूल रहा है, एक सामान की खरीदारी पर कई गुना वसूल रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि जब ईडी ने ये कार्रवाई की तो चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो गई हैं। अब प्राथमिकी दर्ज करने को कहा गया है, तो ऐसे लोगों को, चाहे वो पूजा सिंघल हो, छवि रंजन हो या राजीव अरुण एक्का हो, इन पर उचित कार्रवाई करने की जरूरत है और झारखंड में ऐसे स्वच्छता अभियान की भी जरूरत है ताकि ऐसे भ्रष्टाचारियों का सफाया हो सके। अजय, बिल्कुल राजदा, आपने बिल्कुल कहा कि अब से थोड़ी देर बाद पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, शहर के कचरों को साफ करने की कोशिश होगी। ये ऐसे कचरे हैं जो कि समाज को, सोसाइटी को, झारखंड को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। मेरे पास अब जबकि हमारी आपसे बातचीत हो रही है, एक दर्शक ने लातेहार से मैसेज भेजा है, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। वो लिख रहे हैं कि न्यूज 11 की टीम को बधाई कि आप लोग राजीव अरुण एक्का के खिलाफ जो सच है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लातेहार के जेलों में भी पुअर क्वालिटी यानी कि सबसे खराब किस्म के सीसीटीवी लगा दिए गए, उसमें स्टोरेज की क्षमता महज 2 दिनों का है। आप कल्पना कीजिए कि कोई शनिवार को जाता है जेल में किसी से मिलने, रविवार, सोमवार, मंगलवार को फुटेज आपको नहीं मिलेंगे। जाहिर सी बात है सब कुछ कागज पर हो गया होगा। उसके बाद वो लिख रहे हैं कि कामेश्वर, एक और मैसेज आया कि कामेश्वर सिंह आदिवासी कल्याण आयोग की संपत्ति को, मैं ये अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ बल्कि जो मेरे व्हाट्सएप पर कुछ लोगों ने मैसेज भेजा वो मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि विशाल चौधरी की संपत्ति और उनकी पत्नी की संपत्ति की जांच कराए सरकार कि कितनी संपत्ति उन्होंने इकट्ठा कर रखी है, कहां कहां इकट्ठा कर रही है। फिर ये लिख रहा है कि विशाल चौधरी और उनकी पत्नी की कंपनी का जांच और उनकी संपत्ति का जांच करेंगे तो सब कुछ आपको राजीव अरुण एक्का के नाम से दिखेगा। मतलब कि ये कहने का मतलब है कि ये पूरी संपत्ति में हो सकता है कि उनका शेयर हो। फिर ये लिख रहे हैं, एक और दर्शक लिख रहा है कि विशाल चौधरी के साथ सामग्री खरीद में 50% घुस लिया गया, आईएएस से जैप आईटी में पोस्टिंग के लिए 50 लाख रुपए लिए गए। उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए जो जैप आईटी में डायरेक्टर बने थे, निदेशक बने थे। ये लोगों की प्रतिक्रिया है न्यूज 11 के खबर के बाद। आपने बिल्कुल सही कहा कि एक भगीरथ चाहिए इस राज्य में, ऐसा भगीरथ जो कि प्रदूषित हो चुकी गंगा को साफ कर सके, अन्यथा चीजें ऐसी ही चलती रहेंगी। ईडी, सीबीआई, जो भी जांच एजेंसियां हैं बिल्कुल ये काम कर रही हैं, लेकिन अपनी नैतिकता ये होनी चाहिए कि हम झारखंड में रह रहे हैं, कम से कम कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि इस राज को हम कुछ दे कर जाएं, अन्यथा ये राज ऐसा नहीं है। आप छत्तीसगढ़ चली जाए, नया रायपुर देखेंगी तो दंग रह जाएंगी। एक ही साथ झारखंड के साथ रायपुर का गठन हुआ था, छत्तीसगढ़ का और साथ ही उत्तराखंड का, रायपुर की तकदीर और तस्वीर बदल गई, लेकिन हम एक कांटा टोली का फ्लाईओवर नहीं बना पा रहे हैं 23 सालों में। ये हमारी किस्मत है, झारखंड की किस्मत है। फ्लाईओवर भी बन जाता है तो लोग ऐसे देखने लगते हैं जैसे कोई विश्व का 8वां अजूबा हो रहा है, क्योंकि लोगों को ये बता दिया गया है कि बदहाली के बीच रहना आपकी नियति में शामिल है। तमाम लोगों ने लूटा, किसी एक व्यक्ति का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, किसी एक दल पे मेरा कोई आक्षेप नहीं है। जिसे जहाँ मिला, आपको जानकारी दे दें कि राज्य के 2 बड़े IAS, मैं नाम नहीं लूंगा, मुंबई में उनका होटल खुला हुआ है। सरकार जांच करा ले कि वो कौन से अधिकारी हैं जिन्होंने मुंबई में 2 बड़े होटल खरीद रखे हैं। सब कुछ दूध की दूध और पानी की पानी हो जाएगा, लेकिन जांच कराएगा कौन?
जांच किसके खिलाफ होगी, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा राजदा, ये 1 करोड़ का सवाल है जिसका जवाब मुझे नहीं लगता कि आने वाले 10 सालों में भी आपको मिलेगा। बंदरबांट हो रहा है, सबकी कहीं ना कहीं मिली भगत है, तो जांच कराएगा कौन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय तमाम जानकारियों के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि ईडी ने सीएम के पूर्व प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का से जुड़ी सूचनाएं सरकार को भेजी हैं और प्राथमिकी दर्ज करने को कहा है। राजीव अरुण एक्का ने टेंडर में गड़बड़ी कर विशाल चौधरी के साथ अधिक कीमत पर सामग्री खरीदी और 50% घूस में लिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।